बिल्कुल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने के बाद अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्ट्रियो आइसोमेरिज्म को, ठीक है। स्ट्रियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अगर स्ट्रियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब कि स्ट्रियो आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, आपको पता, अगर आइसोमेरिज्म की बात करा तो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अगर स्ट्रियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो हम लोग, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कॉमनली हम लोग जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। ऑप्टिकल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ज्योमेट्रिकल को डिस्कस करते हैं, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली कंपाउंड क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर भी दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स कौन से, देखो, फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल भी बनता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर इसका भी क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है इसमें sp3, स्क्वायर प्लेनर में क्या है dsp2, ठीक। VBT के अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, टेट्राहेड्रल की बात करें, तो टेट्राहेड्रल आपको पता है, सपोज करो ये है मेटल, मेटल है उसके साथ चार लिगेंट लगे हुए हैं कोई ये, ठीक है। अगर हम इसको टेट्राहेड्रल मान के अगर हम चल रहे हैं तो क्या होगा, सेंटर में मेटल होगा, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या होंगे, लिगेंट। इसको थोड़ा सा ठीक है, ए फर्स्ट लिगेंट है और सेकंड लिगेंट है और थर्ड है और फोर्थ है, ठीक है। यह है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। अब क्या कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। रीजन क्या है, नंबर एक तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो हो सकता है जब एक ज्योमेट्री की दूसरी पॉसिबल ज्योमेट्री पॉसिबल बन सके, ठीक है। तो जैसे इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या है कि जो मेटल है, मेटल के जो चारों तरफ चार के चार लिगेंट हैं, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109°28' सभी का, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम इसी ज्योमेट्री से लिगेंटों को रोटेट करके या लिगेंटों को चेंज करके कोई दूसरी ज्योमेट्री बनाने की सोचेंगे तो दूसरी ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी ज्योमेट्री अगर बनती नहीं है तो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं दे डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI, ठीक है। अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, मेटल सेंटर में, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक लिगेंट लगा दूँ, लिगेंट वन, इसको वन बोल दें, टू, थ्री एंड फोर, ठीक है। अगर इसकी बात हम लोग करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वन क्या होता है, देखो ये जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। बट ये जो बॉन्ड एंगल है वन और थ्री के बीच में, ये 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और ये भी जो बॉन्ड है
टू और फोर के बीच में ये भी है 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या करना, हमारे पास हमको पता होना चाहिए कौन सी सिस पोजीशन है, कौन सी ट्रांस पोजीशन है। तो जिसमें बॉन्ड एंगल 90 होता है वो सिस पोजीशन होगी, वन और टू, वन एंड टू पोजीशन क्या होगी, वन टू, ठीक है, उसके बाद टू थ्री, फिर थ्री फोर, ऐसे ही फोर वन या वन फोर जो भी कहो। इन पोजीशन, इनमें क्या है कि बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है, तो इनको बोलते हैं सिस पोजीशन। ठीक है, और ट्रांस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 का। L1 और L3 की बात करेंगे, वन L1 या वन और थ्री कह लो, वन और थ्री एंड टू और फोर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। ठीक है, तो जो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ही स्टडी करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट नंबर 6 दैट इज ये क्या हो सकते हैं, आपको पता है ये हो सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर, या d2sp3। ठीक है, क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इनको हम लोग पहले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करने के बाद इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो, लिख सकते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल, GI शॉर्ट में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम पहले स्टार्ट करते हैं इन कॉम्प्लेक्सों के साथ और देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या नहीं करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ है ही नहीं हुई, देखो हमको ओवरऑल क्या है कि किसी स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है, बस। अगर पॉसिबल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल है, ठीक है, अब पूरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, वो कैसे पता चलेगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन आ जाना चाहिए, PVT आनी चाहिए, तब पता चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ए लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ए लगा दिया, और यहाँ पर भी ए, और यहाँ पर भी ए। ठीक, एक स्ट्रक्चर मैंने ये बना, डायरेक्ट बना दिया। अब मैं इसमें एक ही पोजीशन चेंज, किसी भी लिगेंड की पोजीशन चेंज करके क्या कर सकता हूँ, दूसरा आइसोमर नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होगा, देर अगर पॉसिबल नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये सिंपल है। ठीक है, अब इसमें अगर ट्रिक की बात करें तो हम लोग ट्रिक, अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये ड्रॉ तो करेंगे नहीं, बहुत लेंथी है। ठीक है, तो एक ट्रिक बता रहे हैं, तो देखो हमारे पास है MA4, इसमें क्या करना है हमको, अरेंजमेंट बनाने हैं। देखो कितने डिफरेंट अरेंजमेंट, अगर जितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं, अगर दो डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे तो दो जो GI शो करेगा, अगर एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है तो क्या है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे हमारे पास लिगेंट है ए, एक अरेंजमेंट दो का, दो लिगेंट का एक वो बना रहा है हमको पेयर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, और सेकेंड कितने, ए। तो देखो इसमें क्या है कि दूसरा कोई सा पॉसिबिलिटी, पहला हमारा क्या है, पहला अरेंजमेंट हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर आप करोगे ए ए बनेगा, ए ए बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक ही बन रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अगर एक ही जो हम जो ये बोल जो दे रखा है एक ही बनता है, अगर अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट, तो क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, वो यहाँ भी बता दिया। दूसरा देखो, दूसरा MA3B, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप का भी हो सकता है, MAB3 टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक
ठीक है चलो इसको पहले शॉर्ट में करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो हमारे पास एम ए थ्री कॉम्प्लेक्स है, एम ए थ्री बी कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है। ठीक है तो मेरे पास कितने ए ए ए, ठीक है हमारे पास चार है। देखा जाए तो हमारे पास क्या, एक का ये बना लिया हमने पेयर, एक पेयर ये बना लिया, ठीक है तो दूसरे अगर बनाने की सोचे तो एक बन गया, तो दूसरे बनाने की सोचे तो बनेगा नहीं। देखो एक अगर बना पॉसिबल नहीं है, दूसरा अरेंजमेंट कोई भी लिगेंटों का दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है तो ये भी क्या करेंगे, ये भी जी आई शो नहीं करेंगे, ना ही ये करेगा। ठीक है अगर डायग्राम के हम अकॉर्डिंग इसको देखें तो इसको आप सेंटर में मेटल रख दो, ए कहीं पर भी बी रख देते हैं, एक बी है और ए यहाँ पर भी है ए। ठीक है अब देखो अगर हम इस ए और बी की पोजीशन चेंज करें, बी को यहाँ रख दें ए को यहाँ रख दें तो फिर भी सेम बनेगा, इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। ठीक है तो फिर क्या होगा, देखो ए के ट्रांस में क्या है ए, ए के ट्रांस में क्या है बी, अगर हम यहाँ को भी बी रखेंगे तो फिर भी क्या होगा, ए के ट्रांस में बी और ये वाला ए यहाँ जाएगा तो ए के ट्रांस में ए, तो ये वाला हो गया ए एम ए थ्री बी और एम ए बी थ्री टाइप जो कॉम्प्लेक्स हैं इनमें भी क्या है कि दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है तो ये भी क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट, एक बार ये वाला लेते हैं एम एम ए ए, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है तो इसमें आपको एक चीज़ पता होना है कि जो ए ए है यह है सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है तो एक बार इसका देखते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये मेटल है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है तो इसमें क्या है ओवरऑल, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ पहले स्क्वायर बना देता हूँ ऐसे ऐसे ये। ठीक है तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या करता है आपको पता है कि एक लिगेंड दो दो जगह से कोऑर्डिनेट करता है, जैसे यहाँ से लिख दिया ठीक है ऐसे, एक यहाँ से है ठीक है, और कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड 90 डिग्री वाली कोऑर्डिनेट करेगा, 180 पर क्या डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है तो यहाँ से यहाँ रीच नहीं कर सकता, ऐसे नहीं आ सकता है। एक ये हो गया हमारे पास दो हैं बाइडेंटेड लिगेंड तो एक यहाँ पर लगा देते हैं ये देखो। ठीक है अब आप सोचो अगर मैं इसको पलट दूँ, इसको यहाँ कर दूँ इसको यहाँ कर दूँ या कुछ भी करूँ लिगेंडों की अगर पोजिशन चेंज कर दूँ तो दूसरा जो मैं दूसरा कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं इस टाइप के। ठीक है अगर हम इसकी बात करें एम एम ए एम ए और बी टू इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ये जो है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है और ये है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनो डेंटेट क्या है लिगेंड। ठीक है तो अब एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये स्क्वायर पदारी है ऐसे 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 करो ऐसे और इसके बाद ऐसे। ठीक है थोड़ा सा ये है, ठीक है थोड़ा सा छोटा बढ़ रहा है, हमारे पास ये बाइडेंटेड लिगेंड एक है तो कहीं पर भी लगा दो इसको, चलो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है पर 90 डिग्री पर हो तो याद रहे, ये हो गया हमारे पास दो लिगेंड हैं बी और बी। ठीक है अब हम ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऐसे होगा। ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें लिगेंडों की अगर पोजीशन चेंज करें, तो देखो अगर ए लगाओगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, बी बी फिर से यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, तो एक ए ट्रांस में बी है, एक ए ट्रांस में बी है, अगर कोई भी आप लोग अगर लिगेंडो की पोजिशन चेंज करते हो तो भी क्या होगा कि दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, जी आई एस ओ नहीं करेंगे, और ये भी नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों को कंडीशन पता होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही कंपाउंड शो करेंगे जिनका दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो बनाना। देखो अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो जी आई एस ओ करते हैं स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है। तो सबसे पहले एम ए टू बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स है, इसके एग्जाम्पल ये है, ठीक है। एम आपको बताया क्या है, मेटल है, ए मोनोडेंटेड लिगेंड है, दो मोनोडेंटेड सेम लिगेंड है, और ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है दूसरे टाइप का सी एल टू, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये एम ए बी टू टाइप जो कॉम्प्लेक्स है ये जी आई एस ओ करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे पहले। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है दो ए हैं, ठीक है, और बी भी दो हैं, ये है, ठीक है। हमको इसमें क्या करना है कि दो दो के पेयर बना के कोई भी अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, हमारा पहला अरेंजमेंट क्या हो गया, ए ए कोमा बी बी, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या बन सकता है हमारा, ए बी बन सकता है, इसके साथ ये आ गया ए बी, और दूसरा फिर ए बी, ए बी ए बी टाइप भी बन सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये बना, सेकंड ये हो गया, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं एक बार, थर्ड बन सकता है क्या, ए बी ए बी, देखो थर्ड नहीं बन सकता, थर्ड कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है, क्योंकि तो आपने ए कर लिया, बी बी कर लिया, ए बी कर लिया और ए बी कर लिया, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो बनेंगे वो बनेंगे दो, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब देखो दो कैसे बनते हैं, ड्रॉ भी करते हैं एक बार। पहले यहाँ पर सेंट्रल एटम रखते हैं, मेटल है, ठीक है। अब देखते हैं दो सेम वाले सेम साइड रख देते हैं, ठीक है, मतलब कि दो जो सेम है उनको 90 डिग्री में, यहाँ पर भी इसके रिस्पेक्ट में भी आप बोल सकते हो कि ये 90 डिग्री में है, अगर 90 डिग्री में है तो क्या है, सिस है, ठीक है, ये भी सिस है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, एक तो ये बन गया, इसको बोलेंगे सिस, एक देखो और बन सकता है कुछ, अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें तो, या इन दोनों की कर दें, बात एक ही है, इसको यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ ले आएँ, तो क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर बी, देखो सेम ग्रुप जो हैं, सेम लिगेंड जो हैं 180 डिग्री पर हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में भी ट्रांस है, और यहाँ पर हमारा ये ए यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, तो अब इससे कोई पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये जो एम ए टू बी टू टाइप है ये दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब एक बार इस टाइप का कॉम्प्लेक्स देखते हैं, एम ए टू बी सी टाइप कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके भी वही करेंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास चार लिगेंड हैं, ए ए बी सी, इसके हमने अरेंजमेंट चेक करने हैं कितने बनते हैं करके। पहला कौन सा बनेगा, ए ए, इसका एक एक पेयर हो गया, एक बन गया बी सी का पेयर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है, ए बी का हो सकता है, और ए सी का भी बन सकता है, ठीक है। अब कोई बनाने की पॉसिबिलिटी है कुछ, ए ए, तो अब पेयर नहीं बन सकते हैं, तो ये भी क्या करेंगे, इसके भी जो जी आई बनेंगे 1 2 2, तो 2 बनेंगे, ठीक है। एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पर है मेटल, एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको भाई, NH3 सेम साइड रख दी 90 डिग्री पर, तो ये कौन सा हो रहा है, ये हम लोग सिस बनाने की सोच रहे हैं, सेम ग्रुप 90 डिग्री पर, ठीक है। और हमारे पास कौन से ग्रुप बचे, कहीं पर पिरिडिन रख देते हैं, पिरिडिन, और यहाँ पर Cl, ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या हो सकता है कि जो सेम ग्रुप हैं उनको हम लोग 180 पर रख दें, ऐसे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी पोजिशन चेंज कर दो, इसकी अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH3, और यहाँ पर चले जाएगा पिरिडिन, और यहाँ पर तो NH3 है ही, और यहाँ पर क्या होगा Cl, तो सेम ग्रुप डिफरेंट साइड,
तो इसके भी क्या बनेंगे, दो जी आई बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स देते हैं एक बार, एक बार हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स देखते हैं। एम ए बी सी डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स देखते हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो पहले वही ट्रिक यूज़ करेंगे हम लोग। हमारे पास चार लिगेंड हैं, ए बी सी डी, इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं देखते हैं एक बार। दो दो के पेयर बनाते हैं। पहला पेयर हमने ए बी का बना लिया, एक दूसरा बना लिया सी डी का। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, पहला ये। अब हो सकता है हम क्या करें, ए सी का एक है, ए का सी के साथ बना लें, एक एक बना सकते हैं, ए का डी के साथ, तो बना दिया एक है, ये हो गया, दो बन गए। अब देखो कोई बन सकता है क्या, ए का सी के साथ बना दिया, और हम बी का सी के साथ बना दें, बी का सी के साथ कहीं नहीं बनाया, तो बी का सी के साथ बनेगा एक। ठीक है, एक बी का डी के साथ बनेगा, तो सबके सब अलग पेयर बन रहे हैं। फोर्थ बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप चेक करके देख लो। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं तीन। ठीक है, देखते हैं तीन कैसे बनते हैं, थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तीन बन रहे हैं, तो आपको पहले मैं इसको ऐसे ड्रॉ करा देता हूँ। तीन है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, कोई सा भी लिगेंड, जैसे ये लिगेंड रख दो आप ए, इसको क्या करूंगा मैं, तीन के तीन में कांस्टेंट रखूंगा, मतलब जिस जगह है वहीं पर रखूंगा। ठीक है, अब एक एक करके बी, एक बार बी लाऊंगा इसके ट्रांस में, एक बार सी लाऊंगा, एक बार डी लाऊंगा। ठीक है, और यहां पर बी ट्रांस में आया, तो फिर क्या बचा, एक सी बचा, एक डी बचा। ठीक है, और यहां पर क्या बचा, एक बार सी लाया, तो अगर हम इसको सी ट्रांस में लगे तो कहीं पर लगा दो, बी लगा दो, डी यहाँ लगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डी है तो कहीं पर भी लगा दो, सी और ए। ठीक है, तो देखो ए के ट्रांस में एक बार बी, ए के ट्रांस में सी, ए के ट्रांस में डी। ठीक है, अब देखते हैं डी के ट्रा बी के ट्रांस में, बी के ट्रांस में एक बार ए, बी के ट्रांस में भी सब आने चाहिए एक बार। ठीक है, बी के ट्रांस में एक बार डी भी आ गया, बी के ट्रांस में एक बार कहाँ गया बी, एक मिनट, सी डी, ये है बी, तो बी के ट्रांस में एक बार सी भी आ गया। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, फिर चेक करते हैं एक बार, बी के ट्रांस में एक बार ए आया, बी के ट्रांस में डी आया, बी के ट्रांस में सी आया, तो सब आ गए। ऐसे डी के ट्रांस में भी सब आने चाहिए, डी के ट्रांस में ए, डी के ट्रांस में बी भी आ गया, और डी के ट्रांस में ए भी आ गया, ऐसे सी में भी आ गया। ठीक है, तो तीन पॉसिबल हैं स्ट्रक्चर इसके। अब देते हैं बाइडेंटेड लिगेंड वाला एक एग्जाम्पल। ये है, ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, अब इसमें जो ए बी है, आप याद रखो इसको, ए बी जो है ये क्या है, ए बी डिफरेंट है ना, और वह बाइडेंटेड, तो क्या बोलेंगे इसको, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाई डेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, देखो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं एक बार। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइसिन वाला, ये जी, इसका ए भी हम ग्लाइसिन ले सकते हैं, ऐसे हमने ये ले लिया पी टी, सेंटर की जगह सेंटर एटम प्लेटिनम ले लिया, और यह है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड लिगेंट होता है और अनसिमेट्रिकल भी होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं इस बार, ऐसा होता है कुछ, ओ नेगेटिव सी, उसके बाद सी एस टू, एन एस टू। अनसिमेट्रिकल कहने का मतलब कि दोनों जो डोनर एटम होंगे इसके, दोनों डिफरेंट होंगे, ये एन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको एक बार ड्रॉ करते हैं एक बार, इसको देखें किसने,
ये हो गया हमारे पास ए बी, एक ये रख दिया ठीक है, एक ये सेट रख सकते हैं ए, ये हो गया बी ठीक है, ये हो गया एक ठीक है, ए ए और ए, ए के ट्रांस में बी है, ए के ट्रांस में बी है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए और ए क्या है सिस पोजीशन पर है और बी और बी क्या है सिस पोजीशन पर है, तो एक ट्रांस ये बनेगा सिस हमारा, एक ट्रांस बनेगा, देखो कैसे बनेगा, ट्रांस में हम लोग एक की अगर बी को यहाँ डाल दें और एक की और बी की पोजीशन चेंज कर दी हमने, ऐसा बना दिया कुछ, तो देखो तो दोनों के दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहे हैं, एक के ट्रांस में बी है, एक के ट्रांस में बी है, यहाँ पर क्या है एक के ट्रांस में ए आ गया और बी के ट्रांस में बी आ गया, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस बोल रहे हैं क्योंकि सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो गए ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लानर के हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं।